दोस्तों, ये है यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03 जो अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। ऑटो एक्सपो में ये बाइक दिखाई दिया प्रगति मैदान में। तो चलिए जान लेते हैं इस बाइक में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इसका डिजाइन देखो, जो हेडलाइट का डिजाइन है काफी ज्यादा शार्प डिजाइन है। प्रोजेक्टर LED दिया गया है और यहाँ पे आपको DRL मिल जाते हैं LED वाले। और इसकी जो हेडलाइट यानी जो फ्रंट पोर्शन है काफी ज्यादा एक अग्रेसिव वाली डिजाइन यहाँ पे दी गई है। फ्रंट में मिलते हैं आपको अपसाइड डाउन फोक और यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर, क्योंकि भाई लिक्विड कूल इंजन है 2 सिलेंडर के साथ में और 4 स्ट्रोक इंजन इसमें आपको मिल जाता है। भाई इस बाइक को उन्हें लेना चाहिए जो राइडिंग का शौक रखते हैं, आम आदमी के बजट से तो बाहर है, क्योंकि इसका एक्सोरूम प्राइस ही इतना ज्यादा है और ऑन रोड करीब चली जाती है 6 लाख के आसपास में। फ्रंट में मिलता है आपको 298 mm की डिस्क ब्रेक और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर वाले अलॉय देखने को मिलेंगे। अलॉय का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है और इसीलिए ये काफी ज्यादा स्पोर्टी हो जाता है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, 110/70/17 यानी 110/70 सेक्शन का टायर मिलेगा और 17 इंच के आपको अलॉय देखने को मिलेंगे। फ्रंट पोर्शन यानी जो इसका फ्यूल टैंक है एक्सटेंशन है, काफी ज्यादा बाहर की तरफ रखा गया है, काफी ज्यादा मस्कुलर है। 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इंजन की पावर यार काफी ज्यादा है, 42 PS की पावर जनरेट करता है 10,750 RPM पे और 29.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 9,000 RPM पे। यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है, यानी दोनों साइड में आपको डुअल चैनल ABS है, यानी आगे भी ABS पीछे भी ABS। और यहाँ पे एक्सटेंशन देखोगे तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ऊपर से फ्यूल टैंक का डिजाइन कुछ ऐसा है। यामाहा की जो बाइक होती है काफी ज्यादा स्पोर्टियर होती है। स्प्लिट टाइप में आपको सीट देखने को मिलेगी, 890 mm की यानी 890 mm की सीट मिल जाती है और यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग सीट काउल के नीचे देखने को मिल जाएगी। और पीछे वाला जो पोर्शन है LED के साथ आपको टेल लाइट मिलेगी, LED के साथ आपको ब्लिंकर्स नजर आएंगे और यहाँ पे पीछे में आपको काफी ज्यादा वाइड टायर मिलता है 140/70 सेक्शन का, 17 इंच के आपको अलॉय देखने को मिल जाते हैं। और पीछे में आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पीछे वाला सस्पेंशन है, आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन ऑफर किए जा रहे हैं जो पीछे की साइड से नहीं दिखेगा क्योंकि इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। जो पीछे वाला पोर्शन है वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव है क्योंकि भाई ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर है और देखने में यार काफी ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन है। और जो इसका साइलेंसर मिलता है, जो एग्जॉस्ट मिलता है, वो भी काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक के साथ आपको मिलने वाला है। तो बाइक का ओवरऑल लुक कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी यानी 160 mm की। बाकी यार बाइक देखने में यार तो एक किलर मशीन लग रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतरीन बाइक है, लेकिन आम आदमी के बजट में कहाँ है ये बाइक, क्योंकि इसका एक्सेप्टेड प्राइस ऑन रोड हम लोग करीब 3-3.5 लाख रुपए के आसपास में सोच रहे थे, लेकिन यार आम आदमी के बजट से यानी हमारे बजट से भी बाहर हो गई क्योंकि मैं भी इस बाइक को लेना चाहता था। इस बाइक में आपको मिलता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसमें आपको ट्रिप मीटर, सर्विस ड्यू रिमाइंडर वगैरह शो करेगा और यहाँ पे आपको इंजन की किल स्विच, पावर स्टार्ट का ऑप्शन है। आपको सिंगल पाइप हैंडल बार देखने को मिलेंगे। कंफर्टेबल तो थोड़ी बहुत होने वाली है ये बाइक, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन R15 जैसा आप लोग पसंद करते हो वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल बाइक नहीं मिलती है आपको चलाने के मामले में, लेकिन ये स्ट्रीट फाइटर है तो नो डाउट आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर माइलेज बात करें तो 26 km के आसपास यामाहा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन भाई इतना नहीं देगी। अप्रोक्स माइलेज आपको 20 km के आसपास ही इस बाइक से मिलने वाला है। तो पेट्रोल भराने की आप क्षमता रखो, मेंटेनेंस कराने की क्षमता रखो, तभी ये बाइक आप परचेज करना, अन्यथा यार इस बाइक को आप ना ही लो, आप डेली कम्यूट वाली बाइक लो। तो बाइक कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँ।